नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिषी डॉक्टर विनायक जोशी आपके फेवरेट पोर्टल बेबी चक्र के आज के राशि भविष्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज मंगलवार तारीख 5 मई 2020 संवत 2077 वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज हस्त नक्षत्र है। सूर्य उदय होगा सुबह 5:36 को और सूर्यास्त होगा 6:59 को। ग्रीष्म ऋतु है, राहु काल रहेगा दोपहर को 3:38 से 5:18 PM तक। आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि रहेगी कन्या, जो कल सुबह 3:36 तक रहेगी। कल सुबह 3:36 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की राशि रहेगी तुला। आज मंगल मकर राशि से भ्रमण करके अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि अर्थात मेष राशि की। आज आपके राशिपति मंगल अपनी राशि परिवर्तित करके मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपकी राशि से 11वें घर में प्रवेश होगा। आज चंद्र आपकी राशि से 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से उच्च का सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहा है। आज सूर्य मंगल और बुध की पोजीशन के अनुसार अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। चंद्र 6ठे घर में होने के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, पर उसको छोड़ के अगर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग और प्रेम मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। कामकाज की दृष्टि से भी अगर देखें तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। काम में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। ओवरऑल आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। अब बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि की। आज आपकी राशि से आपके राशिपति शुक्र का गोचर हो रहा है और मंगल आपकी राशि से 10वें घर में बैठकर आपकी राशि से 5म स्थान में स्थित चंद्रमा के ऊपर अपनी अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी के घर पे भी मंगल की पूर्ण दृष्टि होने के कारण आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों रूप से अच्छा कहा जा सकता है। आज कोई फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, विदेश से या बाहर गांव से कोई नई ऑफर आपको आज मिल सकती है। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन साथी से आज पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, संतान का सुख मिलेगा। ओवरऑल आज का दिन हर प्रकार से बहुत ही अच्छा है। आज आपका लकी कलर रहेगा लाइट ब्लू और लकी नंबर रहेगा 4। वृषभ राशि के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र की तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि की। आज उच्च का राहु आपकी राशि से गोचर कर रहा है। लग्न का स्वामी बुध उच्च के सूर्य के साथ चल रहा है। चंद्रमा 4थे घर में है, सूर्य बुध 11वें घर में। ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन बेहतरीन दिन कहा जा सकता है। आज आपके थॉट प्रोसेस पे, दिमाग पे राहु होने के कारण आपको बहुत इनोवेटिव और अच्छे आइडियाज आ सकते हैं। सूर्य चंद्र की पोजीशन के अनुसार आज का दिन जीवन साथी के साथ अच्छा रोमांटिक दिन व्यतीत कर सकते हैं। आज संतान का पूर्ण सुख मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन करियर और पारिवारिक दोनों दृष्टि से उत्तम है। आज हेल्थ और मूड दोनों अच्छे रहेंगे। आज आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि के बाद अब बात करते हैं राशि चक्र की चौथी राशि अर्थात कर्क राशि की। आज आपकी राशि से 7वें घर में शनि और गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। गुरु और शनि के होने के कारण आज पारिवारिक दृष्टि से दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। चंद्रमा 3रे घर से ट्रांजिट कर रहा है तो भाई बहनों की तरफ से आज कुछ अच्छे समाचार और अच्छे सहयोग की कामना कर सकते हैं। आज राहु 12वें घर में होने के कारण बिना वजह खर्च हो सकता है, अपने खर्च पे आज काबू रखना पड़ेगा। आज काम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काम में आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा, ज्यादा ध्यान देके काम करना पड़ेगा, परंतु भाग्य का साथ मिलने के कारण आज का दिन ठीक ठाक निकल ही जाएगा। आज आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2।
कर्क राशि के बाद हम बात करेंगे राशि चक्र की पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि की। आज चंद्र आपकी राशि से दूसरे अर्थात कुटुंब स्थान से गोचर कर रहा है और आठवें घर को अर्थात आपके पारिवारिक स्थान गृहस्थ आश्रम को देख रहा है। सातवें घर से आज ही मंगल का ट्रांजिट शुरू हुआ है। सातवें घर में मंगल होने के कारण पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव होने की संभावना रहेगी। जीवन साथी के ऊपर गुस्सा करने से बचें। आज के दिन में सातवें घर में शनि और गुरु का ट्रांजिट होने के कारण जीवन साथी की तरफ से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आज आपका राशिपति दसवें घर में उच्च राशि का होके ट्रांजिट कर रहा है। साथ में बुध भी है, इसलिए आज के दिन में करियर की दृष्टि से दिन बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आज आपका लकी कलर है मरून, लकी नंबर है 1। सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि को आज आपकी राशि से चंद्र का ट्रांजिट हो रहा है और छठे घर में मंगल है। छठे घर में मंगल को रोग और शत्रुनाशक माना जाता है। आज आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आज से आने वाले 1-1.5 महीने तक आप बहुत अच्छी एनर्जी फील करेंगे और हेल्थ बढ़िया रहेगी। सिर्फ गुस्से पे काबू रखना चाहिए, क्योंकि जब मंगल छठे घर में होता है तो आपके 12वें और पहले घर को देखता है। 12वें घर पे खर्च को बढ़ाता है और पहले घर में गुस्से को बढ़ाता है, तो अपने गुस्से पे काबू रखें। चंद्रमा आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए डिसीजन थोड़े इमोशनल होने के चांसेस हैं, जिससे बचना चाहिए। ओवरऑल आज का दिन जीवन साथी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। कामकाज के अंदर ज्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी दिन ठीक ही रहेगा। आज आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। अब बात करते हैं राशि चक्र की सातवीं राशि अर्थात तुला राशि की। आज आपको सातवें घर से उच्च का सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सप्तम स्थान में बुधादित्य योग बन रहा है। आज जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी को काम में तरक्की के योग भी रहेंगे। आज के दिन में आपका भी करियर वाइज दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज पारिवारिक दृष्टि से और कामकाज की दृष्टि से दोनों तरह से आपका दिन उत्तम है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा आराम का भी ध्यान रखें। आज का दिन ओवरऑल अच्छा कहा जा सकता है। आज आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। अब बारी आती है राशि चक्र की आठवीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि की। आज आपके राशिपति मंगल अपना ट्रांजिट चेंज करके आपके चौथे घर से गोचर करना शुरू करेंगे और आपके कर्म स्थान को और लाभ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। आज से आने वाले कुछ दिनों तक आपका करियर और फाइनेंस दोनों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आज से काम में फोकस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कुछ फाइनेंशियल गेन्स या फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल गेन्स आज से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव रहने के योग है। मंगल की दृष्टि के कारण कलेश होने से बचें। परिवार के साथ जितना हो सके समन्वय करके दिन निकालें। आज आपका लकी कलर है लाइनिंग वाला या चेक वाला कपड़ा और लकी नंबर है 3। अब बारी आती है धनु राशि की। आज आपकी राशि से उच्च के केतु का गोचर है, सप्तम स्थान से उच्च का राहु गोचर कर रहा है। गुरु जो आपके राशिपति हैं वो सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और थर्ड हाउस से आज से मंगल का ट्रांजिट शुरू होगा। पांचवें घर में उच्च के सूर्य के साथ बुध विराजमान है। आज आपका दिन हर प्रकार से अच्छा माना जा सकता है। आज कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। आज का दिन कामकाज की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी से भी आज सहयोग रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल आज का दिन हर प्रकार से अच्छा कहा जा सकता है। आज आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। धनु राशि के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र की दसवीं राशि अर्थात मकर राशि की। आपके राशिपति शनि आप ही की राशि से स्वग्रही होकर ट्रांजिट कर रहे हैं और उसकी दृष्टि आपके दसवें उसकी दसवीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। आज कामकाज में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, गलती होने से बचना चाहिए।
पर आपकी राशि से शनि का ट्रांजिट होने के कारण आज आपका कंसंट्रेशन और फोकस अच्छा रहेगा। हर चीज में आप प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएंगे। परिवार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता रहेगी, संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल आज का दिन मिश्र फल वाला या तो कमजोर दिन माना जा सकता है। आज हो सके तो आंख बंद करके 10 से 15 मिनट भगवान शिव का ध्यान करें। आज आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। अब बारी आती है राशि चक्र की 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि की। आज मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और चंद्रमा 8वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। आज का दिन थोड़ा सा कमजोर माना जा सकता है। आज के दिन में जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, काम का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा वीक रहेगा। 8वें घर में चंद्र होने के कारण कुछ जीवन साथी के साथ या परिवार में मनमुटाव होने के योग बनेंगे, जिससे सावधान रहें। जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखें ताकि किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो जाए। आज 5वें घर में राहु का ट्रांजिट है और राहु उच्च का होने के कारण संतान का एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओवरऑल आज का दिन हर प्रकार से मिश्र फल वाला या तो कमजोर कहा जा सकता है। आज आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम अर्थात 12वीं राशि मीन राशि की। आज चंद्रमा आपकी राशि से 7वें घर से गोचर कर रहे हैं और उच्च का केतु आपकी राशि से 10वें स्थान से गोचर कर रहा है। आज का दिन कामकाज की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। आज मेंटली इमोशनली आप अच्छा फील करेंगे। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग और प्रेम मिलेगा। आज संतान का भी सुख प्राप्त होगा। ओवरऑल आज का दिन करियर, फाइनेंस और परिवार तीनों दृष्टि से उत्तम माना जा सकता है। आज आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 4। ये था आज का 12 राशि का राशिफल। अब बात करते हैं आज की टिप ऑफ द डे की। आज मैं आपको बिजनेस चलाने के लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताता हूँ। ये नुस्खा ऐसा है कि किसी भी शुक्रवार को किसी दुकान में जाके एक ताला खरीदें। ताला स्टील का, पीतल का, कोई भी चल सकता है। सिर्फ खरीदते समय उस ताले को खोल कर ना देखें, अर्थात उस ताले को बिल्कुल ही खोले नहीं, जैसे दिखाए दुकान वाला उसी तरह से ले लें और लेके आके अपने घर में अपने सिरहाने की तरफ एक हफ्ते तक रहने दें। अगले शुक्रवार को यही ताला ले जाके किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में चढ़ा दें। अब जब भी वो ताला किसी के हाथ लगेगा और वो उस ताले को खोलेगा तो समझिए आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। बस ये थी आज की टिप ऑफ द डे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।